तो स्मार्ट आर्ट में हम देखते हैं कि हायरार्की वाला स्मार्ट आर्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह के आइडिया को उसमें कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। हायरार्की में शो ये करना होता है कि आपका जो मेन कंपोनेंट है या मेन अथॉरिटी है वो कौन है, सब अथॉरिटी कौन है और उसकी सब अथॉरिटी कौन है, इस तरह की चीज़ों को उस पर हमें डिस्कस करना पड़ता है। तो अगर किसी बैंक का ऑर्गेनोग्राम बना रहे हैं, स्कूल का बना रहे हैं, पहले जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेल डायरेक्टर, मार्केटिंग हेड, सेल्स मैनेजर, वेस्ट, ईस्ट, एग्जीक्यूटिव, तो ये बता रहे हैं कि इनका जो मेन ऑनर है वो ये है, ये इन दो को सुपरवाइज करता है, ये इन दो को सुपरवाइज करता है और ये इसको सुपरवाइज करेगी, ये रिपोर्ट इसको करेंगे, ये रिपोर्ट यहाँ होगी। तो एक स्कूल का इस तरह से हम एक ऑर्गेनोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऑरिएंटेशन को लैंडस्केप कर लेता हूँ ताकि मेरे पेपर के वेट ज़्यादा हो जाए, और इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम आके हायरार्की के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक स्मार्ट आर्ट को हम चूज़ कर लेंगे, देन ओके करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने ये स्मार्ट आर्ट आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ इस तरह से। अब आप इसको किस तरह से मज़ीद डील कर सकते हैं, उसके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है, बैक स्पेस दबा देना है, तो ये सारे ही ख़त्म हो जाएंगे इसमें। अब सबसे पहले हमें स्कूल में देखना होता है कौन होते हैं। स्कूल में होते हैं ऑनर, ठीक है, ऑनर के नीचे होते हैं डायरेक्टर्स, तो ऑनर लिख के हम नीचे होते हैं इसके, तो ऐड कराएंगे इंसर्ट एड शेप आफ्टर, तो ये इसके बराबर में ऐड हो रहा है, अंडू कर रहे हैं, तो ऐड शेप ब्लू करेंगे, तो जैसे ही ब्लू करेंगे तो उसके नीचे ऐड हो गया। फिर आ गए डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के नीचे अंडर में आ रहा होता है एड शेप अबव से ब्लू, प्रिंसिपल आ रहा होता है, प्रिंसिपल्स के साथ आ रहे होते हैं एड शेप आफ्टर। अच्छा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पैरेलल आ रहा होता है एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, बड़े स्कूल्स में दो पोस्ट होती है। उसके बाद इन दोनों के अंडर में आ रहा होता है, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो एड शेप ब्लू, टीचिंग स्टाफ आ रहा होता है और इसके अंडर में आ रहा होता है एड शेप ब्लू नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। फिर टीचिंग स्टाफ में कौन कौन शामिल है, एड शेप ब्लू, अब उसमें सारे टीचर्स आ जाएंगे जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है या मैथ पढ़ा रहा है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। मैं लिख देता हूँ एंड सो ऑन वगैरह। नॉन टीचिंग स्टाफ के अंडर में कौन कौन आ रहा होता है, अब उसमें ये आ रहे होते हैं क्लर्क आ रहे होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट आ रहे होते हैं, और इसके अलावा ऑफ सपोर्ट स्टाफ आ रहा होता है। ये देखें, एक ऑर्गेनोग्राम हमने इस तरह से बना लिया। ओके, इसी की दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है स्मार्ट आर्ट, और यहाँ पर हम इसका लेते हैं हायरार्की मॉडल, और हायरार्की मॉडल में अब हम ले रहे हैं ये वाला मॉडल। अब ये मॉडल कैसे बनेगा इसको भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बना रहे हैं जैसे कंप्यूटर का, कंप्यूटर, अब इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, टैप किया है मैंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
अब हार्डवेयर में आके हमने यहाँ से क्लिक किया एंटर और टाइप कर दिया है, ठीक है, और हार्डवेयर में ले लिया हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर में एंटर किया टाइप कर दिया सिस्टम, एप्लीकेशन, बैकस्पेस बैकस्पेस, सिस्टम में टैप दबाया नीचे आके ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, वायरस, एंटीवायरस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टैप दबाया हमने तो आ गया वर्ड प्रोसेसिंग, वर्कशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, विजुअलाइजेशन, आया समझ में? तो ये देखिए इस तरह का हमने बना दिया और इसको अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। इसके भी कलर स्कीम्स को आप यूज़ कर सकते हैं और इसके भी कलर स्कीम को यूज़ करने के साथ साथ यहाँ से आप इनके मॉडल को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी मॉडल को दोबारा से आप इस मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इस तरह की हायरार्कीज को शो कर सकते हैं। इवन आप इसमें पिक्चर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये पिक्चर्स वाला है, इस पर आप एक एक की पिक्चर भी लगा सकते हैं। ऊपर हमने लिखा है ना ये वाला बनाया है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स वाले में। उसका फ़ायदा क्या होगा भाई, अगर ओनर की पिक्चर लगानी है तो लगा दें, सही, डायरेक्टर की पिक्चर लगानी है, प्रिंसिपल की पिक्चर लगानी है तो उनकी पिक्चर्स लगा दें। सिमिलरली अब यहाँ पर जब आपने कंप्यूटर के नाम लिखे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के तो उनके भी इमेजेस लगाने, तो इनके अंदर इमेजेस अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये दो आइडियाज़ मैंने आपको दिए हायरार्की के मॉडल के ऊपर, ठीक है, और एक और को डिस्कस कर लेते हैं। इसी हायरार्की के मॉडल के ऊपर एक ये हो सकता है आपका इंसर्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट हायरार्की, और हायरार्की में अब हम यूज़ करते हैं ये यूज़ कर लिया, ओके, ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं और इसको आप अपने फैमिली ऑर्गेनोग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के एक मैं बना के दिखाता हूँ, तो यहाँ हमने लिखा फीस, फीस जो थे इनके दो तीन बेटे थे टैब, खलील, अजीज, कदीर, ठीक है, नजर, शाहिद, ये इनके बेटे थे। अब इसमें अजीज़ वाले फैमिली वाले में आए, एंटर टैप कर दिया, अजीज़ के कितने बेटे थे, जाहिर, एंटर आबिद। अब कदीर के कितने बेटे थे, एंटर टैप फरीद, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा हो तो, फरीद, नवीद, नदीम, ठीक है, अच्छा, अब शाहिद के कितने बेटे थे, एंटर टैब अहमद, नज़र के कितने बेटे थे, एंटर टैब तौकीर, तौहीद, तनवीर, तौफीक, सही है, बात समझ में आ रही? इस तरह से आप अपना पूरा फैमिली का ऑर्गेनोग्राम भी बना सकते हैं हायरार्की सिस्टम, कि आपकी फैमिली का बड़ा कौन था, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो इस तरह से आप जैसे जैसे इसमें ऐड करते जाएंगे तो आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हैं और उनके फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं सबके
एक अच्छा सा चार्ट बना के, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पर या अपने रिलेटिव्स पे शो कर सकते हैं, ताकि आने वाली नस्लों को पता चलता रहे कि आपके बड़े और उनके उनसे बड़े और उनसे छोटे और वहाँ तक नस्ल का तसलसल क्या था। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी बना सकते हैं, फैमिली का भी बना सकते हैं। इसको पिक्चर लगाना है या इसके अंदर कोई और उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए, तो यहाँ पर जैसे हम और ऐड करें, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी राशिद, हसीब, दानिश, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको टाइप करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मैं इसमें बच्चियों के नाम नहीं लिख रहा हूँ, वो भी आप ऐड करेंगे तो अपना पूरा आपका फैमिली का एक ऑर्गेनोग्राम बन जाएगा। और ये आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता, तो ये आप बनाएंगे आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। अब इमेज लगाने का क्या तरीका है, लेट सपोज अगर हमें इस पर इमेज लगानी है तो इस पर यहाँ पर डबल क्लिक किया और ये हमारे सामने खुलना चाहिए, खुल गया। यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे, सबकी इमेजेस आप कलेक्ट कर लें, सबकी इमेजेस आप कलेक्ट कर लें और यहाँ पे जाके जिसकी भी इमेजेस पर फिर आपने लगाना है तो ये देखिए हम इमेज इसके ऊपर प्रॉपरली इस तरह फिक्स कर, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा ऑर्गेनोग्राम आपका बन जाएगा। इसमें फर्दर आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट आर्ट में आपने कलर स्कीम तो देखी है और कलर स्कीम यहाँ से भी चेंज की जाती है। यहाँ पर ये जो पट्टियाँ आ रही हैं इनके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ से क्लिक करने पर ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे, तो फिर आपको ये और बेहतर नज़र आएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लें इसको यहाँ से क्लिक करके, ताकि ये और क्लियर नज़र आ सके, और फिर इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये हायरार्की चार्ट जो है, इस तरह से आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है। जैसे हमने कंप्यूटर का पूरा ऑर्गेनोग्राम बनाया, इसको कहते हैं ऑर्गेनोग्राम, और फिर हमने एक स्कूल का ऑर्गेनोग्राम बनाया कि कैसे स्कूल का सिस्टम चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।